थैंक यू जानू के बारे में बताइए। सॉरी जानू ये मैंने गाना आज से 1.5 या 2 साल पहले लिखा था एंड व्हेन आई वाज राइटिंग इट मैंने सोचा कि कुछ रिलेटेबल हो, ना कि फैंसी और बॉलीवुड लाइंस हो उसमें, जैसे कि पकड़ी गई तो ये सब कोई आज के दौरान में नहीं लिखता एंड आई वांट टू टेक दैट चैलेंज। वेरी रॉ सैड सॉन्ग में ऐसे लिरिक्स लिखना इज़ बिट चैलेंजिंग एंड मुझे चैलेंज लेना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा जो दिल से आती है बातें, जो जहन में आती है वो कहना चाहिए और मैंने वही लिखा है एंड आई थिंक पीपल आर लविंग इट। हकीकत में आपने सॉरी कब तक कितनों को बोला है और कितनी बार बोला? बॉयफ्रेंड्स में आई हैव नेवर सेड सॉरी, आई एम नॉट लाइंग। दोस्तों में नहीं, ऐसी गलतियाँ नहीं की है ना जो मैं सॉरी बोलूँ। अम्मी अबू को कई मरतबे बोलती हूँ, जैसे कि मैंने कहा बहुत शरारती हूँ मैं, उसके अलावा दोस्तों को बोल देती हूँ हाँ, बट ऐसे कोई सर्कमस्टेंस नहीं आया कि मुझे ऐसे बोलना पड़ा। आप बताएं। मेरी पोल खुल जाएगी, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को सॉरी बोला है लेकिन जानू नहीं बोला। गर्लफ्रेंड के हवाले से पूछ रहे हैं? नहीं, नॉट गर्लफ्रेंड बट अच्छा सी आई पर्सनली फील ना हर सिंगर एक किसी चीज़ से इंस्पायर मुतासर होकर लिखता है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि धोखा खा चुका हूँ मैं प्यार में, उसी वजह से मैंने जो मेरे जहन में बातें आ रही थी वही लिखा है मैंने। पकड़ी गई तो आके कहती सॉरी जानू, सो यही है। नाइस, आई गॉट सम इनसाइड इंफॉर्मेशन, आई लाइक इट। हम लोगों को जनरली रियल लाइफ में भी सॉरी बोलने के बाद में मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, तो आपने वो कितनी बार हुई आपसे? मैंने कहा ना गलतियाँ इज ओके, शरारतें इज ओके, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव, राइट? बदतमीजी नहीं हो, इंसान शरारती कर ले, मस्ती कर ले, सॉरी बोल ले, बट नो बदतमीजी, सो लेट दैट डैम सेफ। सो आप बहुत बहुत चुलबुली टाइप दिखती है, कितनी बार इनको सॉरी बोलना पड़ा होगा सेट पर? अब मैंने एक भी बार नहीं बोला उनको, क्योंकि वो जो कैरेक्टर उन्होंने निभाया वो इतना डीप निभाया कि किसी को भी लगेगा कि सना इज़ रियल लाइफ में भी ऐसी ही है, बट शी इज़ सो बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया ऐसा दिखाया जाता है। आई एम अ म्यूजिशियन, आई एम नॉट अ एक्टर, बट शी इज़ अ ग्रेट एक्टर और इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है एक्टिंग के दौरान। क्या कुछ मेमोरीज रही आपकी शूट के टाइम? बहुत सारी मेमोरीज है। सो जब हम जब हम रामजी सर के साथ काम करते हैं, इट्स जस्ट लाइक फैमिली, वी ऑलवेज हैव दिस लेवल ऑफ कंफर्ट एंड वी डिडंट रियली फील कि हम कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त वाला काम करें, जस्ट केम विद द फ्लो। ओनली द थिंग इज़ गर्मी बहुत थी आउटडोर शूट में, येस ये मैं एतराफ़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 45 डिग्री, सो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। ये हुआ कि बहुत ज़्यादा टैन होकर मैं आ गई, बट इट्स वर्थ इट, आई थिंक इट्स वर्थ इट। वी हैड रियली गुड टाइम ऑन सेट्स एज वेल। सो ये आपका यूनाइटेड व्हाइट फ्लैग और रामजी सर के साथ ये आपका फर्स्ट सॉन्ग है, उनके साथ कैसा फील हुआ? मैं ना रामजी सर से पता नहीं कितने दफ़े मैंने कहा, मैं इस चीज़ की मुंतज़िर थी कि कब मुझे मौका मिले उनके साथ काम करने का, एंड फाइनली व्हेन आई गॉट द चांस, और वो भी ऐसा गाना कैची वाला जो मुझे करना था। सो आई थिंक आई फील रियली ब्लेस्ड एंड येस, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल द लव यू गाइज गिव। और अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहिए और लास्टली आप एक सॉन्ग? ऑडियंस को तो यही कहना चाहूँगा कि गाना आ चुका है, सॉन्ग इज़ आउट नाउ, गो वॉच इट एंड बहुत सारा प्यार दीजिए और गाना डेफिनेटली गाऊँगा अभी। साथ में गाएं। Let's go. खबर है तेरी हर बातों का, तुम जो छुपाते हो, मेरे पीछे औरों से भी इश्क लड़ाते हो, तेरी झूठी बातें झूठे बहाने कैसे मैं मानूं, अब पकड़ी गई तो आके कहंदी सॉरी जानू, मैनू कहंदी सॉरी जानू, मैनू माफ कर देना तू, मैं कहंदा जार बेवफा जा, मेरे लायक नहीं है तू। थैंक यू सो मच।